आज हम लोग का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बिजनेस स्टडीज में, और ये चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चैप्टर से हम लोग के एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये चैप्टर जो है पार्ट ए में है, पार्ट ए वाला चैप्टर है। पार्ट बी का अभी तक हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, ये पार्ट ए का थर्ड चैप्टर है। नाम है इस चैप्टर का बिजनेस एनवायरनमेंट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। तो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहले तो हम लोग को ये पढ़ना है कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। अब देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड से बना हुआ है, बिजनेस और एनवायरनमेंट। तो दोनों को पहले अलग अलग समझते हैं, उसके बाद एक साथ समझेंगे। बिजनेस का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एनवायरनमेंट मतलब द सराउंडिंग्स इन विच वी लिव, जो सराउंडिंग्स में हम लोग रह रहे हैं उसको ये क्या बोला जाता है, एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब तब क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होगा, या व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है द एनवायरनमेंट द सराउंडिंग्स ऑन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स। बिजनेस जो एनवायरनमेंट जो सराउंडिंग्स में ऑपरेट करता है, जो बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस डालता है, उसी को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, बट द बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर इट। हम लोगों का एनवायरनमेंट हम लोगों के वर्क के ऊपर इम्पैक्ट डालता है या नहीं डालता है। किसी दिन गर्मी है, किसी दिन ठंडा है, किसी दिन बरसात हो रहा है, क्या ये सब फैक्टर्स की वजह से हम लोगों के अंदर में चेंजेस या ये हम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, करता है। उसी तरह से बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, बट क्या हम लोगों का कंट्रोल है कि हमको अभी गर्मी ज़्यादा नहीं चाहिए, सूरज को हटा के थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर दे रहे कर सकते हैं, बरसात अभी नहीं चाहिए बादल को हटा दे रहे कर सकते हैं। वी हैव नो कंट्रोल ओवर आवर एनवायरनमेंट, इन द सेम वे बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर इट्स एनवायरनमेंट, लेकिन ये सब बिजनेस के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है। समझ में आया, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है, थ्रेड्स भी प्रोवाइड करता है। जिस तरह से हम लोग का एनवायरनमेंट हम लोग के लिए फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है ना। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या फीचर्स है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या मतलब है इसका, जितना भी एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, जितना भी एक्सटर्नल फोर्सेस है सबका सम टोटल को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि एनवायरनमेंट सिर्फ सनलाइट से नहीं बना है, एयर से नहीं बना है, वाटर से नहीं बना है, सबका सम टोटल को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, वेजिटेशन, सब मिलकर क्या बनाता है, एनवायरनमेंट। उसी तरह बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जितना एक्सटर्नल फैक्टर्स है सबका सम टोटल क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो नेक्स्ट है, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरह का फोर्सेस ऑपरेट करता है, एक है जनरल फोर्सेस जो सबके लिए सेम होगा, और एक है स्पेसिफिक फोर्सेस जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका कुछ एग्जांपल दीजिए सर, जनरल फोर्स और स्पेसिफिक फोर्स का। कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, कौन सा बिजनेस के लिए लॉकडाउन हुआ, सब। तो ये क्या था, जनरल फोर्स था। अर्थक्वेक आया या फ्लड आया, जितना बिजनेस है सबको नुकसान हुआ, ये क्या है, जनरल फोर्स है। स्पेसिफिक फोर्स क्या हो जाएगा, कल को गवर्नमेंट बोला कोई भी जितना भी दुकानदार है बोलो कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच सकता है, क्यों, कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा शुगर एडेड है, उससे हेल्थ को नुकसान हो रहा है। तो ये जो डिसीजन है इससे क्या सब बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वाला जो बिजनेस है उसको इम्पैक्ट पड़ा। तो ये हो गया स्पेसिफिक फोर्स। तो जैसे कि गवर्नमेंट सबके लिए सेम है, सिर्फ मेरे अकेले के लिए मोदी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, कंट्री में जितना है सबके लिए वो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये हो गया जनरल फोर्स, और स्पेसिफिक फोर्स जो एक पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर में के लिए सिर्फ है।
समझ में आ गया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जनरल फोर्सेस भी है और स्पेसिफिक फोर्सेस भी है, दोनों से मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का क्या मतलब है? इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है कि सब फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? कैसे? बरसात ज्यादा होगा तो लोग कम बाहर निकलेंगे, लोग कम बाहर निकलेंगे तो लोग कम सामान खरीदेंगे, कम सामान खरीदेंगे तो सेल कम होगा, है ना। सब एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड विथ वन अनदर। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है डायनेमिक। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक? बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सेम नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। 1990 में जो बिजनेस एनवायरनमेंट था इंडिया में, क्या आज भी वही है? इट हैज चेंज्ड। तो डायनेमिक का मतलब है दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक बट इट इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है अनसर्टिनिटी। क्या मतलब है अनसर्टिनिटी का? बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टिनिटी का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक टाइम था, अगर आप लोग सबको याद होगा, एक टाइम में मोबाइल दुकान वाला लोग जो रिचार्ज करता है और एसटीडी वाला लोग का बोलबाला था, है ना, बहुत सेल होता था। जिसका भी एसटीडी दुकान है या जिसका भी मोबाइल दुकान है जो रिचार्ज कूपन बेच रहा है, वो लोग खूब कमाए एक टाइम में। आज के टाइम क्या हुआ? एसटीडी खत्म, रिचार्ज वाला खत्म, साइबर कैफे खत्म। अब वैसे उन लोगों का कमाई नहीं रहा। कोई सोचा था आज से 10 साल पहले कि ऐसा हो जाएगा? तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है, कब क्या हो जाएगा कोई उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। समझ में आया? रिलेटिविटी, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है रिलेटिव कॉन्सेप्ट का? बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू, रिलेटिव का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू रीजन। क्या मतलब है इस वर्ड का? इंडिया में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या यूएस में वही है, बांग्लादेश में वही है? इंडिया में कोलकाता में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या केरला में वही है, गुजरात में वही है? इट इज चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन रीजन टू रीजन। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गया सब फीचर्स? तो क्या क्या फीचर्स हम लोग पढ़े बिजनेस एनवायरनमेंट का? पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। जितना भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है सब से मिलकर बना हुआ है। जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक है कुछ जनरल है। इंटर रिलेटेडनेस, सब फोर्सेस आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक में चेंजेस आने से सब में चेंजेस आएगा। डायनेमिक, इट इज नॉट स्टैटिक, एक जगह रुका हुआ नहीं है, इवॉल्व हो रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है, वक्त के साथ बदल रहा है। अनसर्टेन, कब क्या हो जाएगा किसी को इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू रीजन। क्लियर पॉइंट? 6 पॉइंट है ना, आप हम 6 पॉइंट पढ़ाए, आप लोगों को 4 पॉइंट पढ़ना है बस एग्जाम के लिए। ये चैप्टर से जो 5 मार्क्स आएगा, 5 में से एक रहेगा एसीक्यू या एमसीक्यू और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको 4 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा देखो, अगर आप अपना बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से समझ रहे हैं, ठीक है, सही से पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या फायदा होने वाला है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से समझने का या सही से स्कैन करने का? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? पहला है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से पढ़ रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, तोप्सिया में अभी तक कोई ये कॉन्सेप्ट चालू नहीं किया है, लाइव क्लासेस को रिकॉर्ड करके देने का, हो सकता है आगे करें, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आया यहाँ पे कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो स्टूडेंट मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सभी का प्रॉब्लम रहता है डेली डेली में, कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी क्लास लेट आ गए, कभी नहीं आ पाए, तो अगर हम ये चीज़ किए तो स्टूडेंट और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है जो कोई नहीं कर रहा है, हम इससे करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, अपना पोजिशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो पहला
इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब सबसे पहले जो करेगा उसके पास ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्लियर। दूसरा है अर्ली वार्निंग सिग्नल। सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने में आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी पहले नजर नहीं आता है जिसको आप यूज कर सकते हो, थ्रेट भी आपको पहले नजर आ जाएगा कि हाँ देखो ये अब नुकसान होने वाला है, तो अब इस नुकसान से बचने के लिए पहले से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। क्या मतलब है, हम देखें कि यार जिस हिसाब से गवर्नमेंट कर रहा है, पॉलिसी बना रहे हैं, हो सकते हैं आगे चल के गवर्नमेंट जो है ये UPI ट्रांजैक्शन एंड ऑल में चार्जेस काटना चालू कर दे, तो हम क्या किए, इससे पहले ही अपना कैश पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लिए कि विदाउट UPI भी कोई डेबिट कार्ड से पे कर रहा है या क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है, तो ये सब भी हम इंतजाम करके रख रहे हैं। क्योंकि कल को कस्टमर अगर 5,000 का सामान खरीदेगा, वो बोलेगा UPI से पे करेंगे तो मेरा 2% कट जाएगा 100 रुपया, तो हम क्यों 100 रुपया कटाई, लीजिए मेरा डेबिट कार्ड से काट लीजिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट, समझ में आया है? तो इससे क्या कर सकते हैं, हम थ्रेट को देख सकते हैं और उस थ्रेट के हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इसका एक दूसरा वर्ड है, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है इसका याद नहीं आ रहा हमको, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वहां पे लिख दो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट को आप सही से स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब अपना रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना, ठीक है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोपिंग विथ रैपिड चेंज। आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से स्टडी कर रहे हैं तो जो भी चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में आ रहा है उसके साथ आप जल्दी जल्दी कोप अप कर सकते हैं, है ना। जब तुमको पता ही नहीं है क्या चेंजेस आ रहा है, तुम कोप अप क्या करोगे, तो कोप अप करने के लिए पहले पता भी तो होना चाहिए कि चेंजेस क्या आ रहा है। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी बनाने में, प्लानिंग बनाने में बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, आपको आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। पब इमेज बिल्डिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको आपका इमेज अच्छा करने के लिए, इमेज बिल्डअप करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर हुआ पॉइंट, ये सब इम्पोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का। अच्छा देखो, अब हम लोग आते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का दो कंपोनेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दो, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1, 2, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सब फैक्टर्स, इंटरनल एनवायरनमेंट मींस दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ एंड आर अंडर द कंट्रोल। समझ लो बात को, हिंदी में बता रहे, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब वो एनवायरनमेंट जो आपके बिजनेस के अंदर में ही है और जो आपके बिजनेस को बिजनेस के कंट्रोल में है। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के अंदर में है, बिजनेस के कंट्रोल में है वो फैक्टर्स। एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस से बाहर में है, बिजनेस के कंट्रोल में है, क्लियर। इंटरनल मतलब बिजनेस के कंट्रोल में, बिजनेस के अंदर। एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर, बिजनेस के कंट्रोल में। अब इंटरनल फैक्टर कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, पहला ऑब्जेक्टिव, आपका बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। पॉलिसी, आपका बिजनेस का क्या, ऑर्गेनाइजेशन का क्या पॉलिसी रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा, कितना CEO रहेगा, कितना मैनेजर्स रहेगा, ठीक है।
प्रोडक्शन मेथड, आप कौन सा प्रोडक्शन मेथड यूज़ करिएगा, आप मशीन से बनवाइएगा या लेबर से बनवाइएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको कितना प्रोड्यूस करना है दिन भर में, ये सब आपके कंट्रोल में है, इंटरनल फैक्टर्स। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या है, विच लाई आउटसाइड अ बिजनेस इंटरप्राइज एंड द बिजनेस इंटरप्राइज हैज नो कंट्रोल ओवर इट। एक्सटर्नल को अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो एक्सटर्नल फिर से दो पार्ट में बढ़ जा रहे हैं, एक्सटर्नल दो पार्ट में बढ़ रहे हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट मैक्रो इन्वायरमेंट। समझ में आया, क्या समझ में आया आपको? एक्सटर्नल मतलब वो फैक्टर जो बिजनेस के बाहर लाई करते हैं और बिजनेस को उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इन्वायरमेंट, व्हाट इज माइक्रो इन्वायरमेंट, ये जानना होगा। माइक्रो इन्वायरमेंट मीन्स दोज इन्वायरमेंट विच आर क्लोजली रिलेटेड विद द बिजनेस एंड हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस। माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब वो इन्वायरमेंट जो बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड है और जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को, मतलब स्पेसिफिक फैक्टर्स, स्पेसिफिक फोर्सेस जो है ना माइक्रो इन्वायरमेंट क्लोजली रिलेटेड है और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैक्रो इन्वायरमेंट में। मैक्रो इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, वो इन्वायरमेंट जो कि रिमोटली रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड नहीं है, जिससे दूर का रिश्तेदारी है, सामने का रिश्तेदारी नहीं है। समझ में आया? और ये स्पेसिफिक फोर्स नहीं है, जनरल फोर्स है, सबके लिए समान है, सबके लिए सेम है। क्लियर हो गया? जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन को। चलो एक बार फिर से आते हैं, माइक्रो मतलब जो क्लोजली रिलेटेड है, नज़दीकी रिश्तेदार है, जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है वर्किंग एंड परफॉर्मेंस को, जनरल स्पेसिफिक फैक्टर्स। मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब जो दूर का रिश्तेदारी है, जिससे जो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है वर्किंग एंड परफॉर्मेंस को। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो देखो बिजनेस इन्वायरमेंट दो कंपोनेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का दो कंपोनेंट माइक्रो एंड, क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन आता है। माइक्रो इन्वायरमेंट जो कि क्लोजली रिलेटेड है, जिससे रिश्तेदारी नज़दीक का है, वो लोग है कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक्स, पब्लिक्स का मतलब क्रिटिक्स, एनजीओज, सोसाइटी, ये सब, एंड मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, मार्केटिंग मिडिलमैन। तो कौन कौन है माइक्रो में? कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक्स एंड मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। कस्टमर से तुम्हारा नज़दीकी रिश्ता है, सप्लायर से तुम्हारा नज़दीकी रिश्ता है, कॉम्पिटिटर से तुम्हारा नज़दीकी रिश्ता है, मिडिलमैन जो तुम्हारा सामान बिछवा रहा है, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, उससे तुम्हारा रिश्ता है। क्लियर? अच्छा मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? मैक्रो इन्वायरमेंट में आता है जनरल फोर्सेस जो सबके लिए सेम है, इसमें पहले आएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या क्या कॉम्पोनेंट है, इकोनॉमिक सिस्टम कंट्री का कैसा है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सिस्टम है या सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा है कंट्री का, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, ये सब आ जाएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। अब ये तो सबके लिए सेम है, अब अमेरिका अमीर है तो जो भी बिजनेस वहाँ है सबके लिए अमीर है, श्रीलंका गरीब है तो जो भी बिजनेस वहाँ पे है सबके लिए श्रीलंका गरीब है, जनरल फोर्सेस। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट आते हैं सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो सोसाइटी में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, समझो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग का इंडियन एक कल्चर है, इंडियन कल्चर है एक वेस्टर्न कल्चर है। इंडियन कल्चर में अगर मान लो तुम्हारे फादर तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हारे पापा, हम शादी कर लिए, शादी करके हम अलग ही घर में रह रहे हैं, अब मेरे पापा को मेरे घर आने हैं तो आ जाएंगे जब भी उनका दिल होगा। बट वेस्टर्न कंट्री में अगर मेरे फादर मेरे घर आ रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, इसको खराब बात माना जाता है। हम लोग यहाँ पे ये खराब बात है, हम लोग तो क्या है दोस्त का घर में भी घुस जाते हैं तो बेटा है, फिर भी दोस्त का घर बिना बुलाए नाश्ता का दरकार पड़ा घुस गए, जाके खा पी लिए। तो हम लोग का यहाँ पे
सोसाइटी इस तरह से वेस्टर्न कंट्री में, अगर बाप बेटा या बेटा बाप के घर में भी जा रहा है उसको पहले पूछना होगा हेलो पीटर मे आई कम टू योर हाउस दिस संडे, बोलेगा ओके पापा कम एट 7 o'clock, समझ में आ रहा है? तो वो उन लोगों का कल्चर है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी का कल्चर कैसे है आप जो कंट्री में रह रहे हैं, समझ में आ रहा है, जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं। फैमिली स्ट्रक्चर कैसे है, जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लिएटेड फैमिली है। हम लोग यहाँ मान लो अगर बाल बच्चा अपने फादर फैमिली के साथ रह रहा है, ठीक है नॉर्मल सा बात है, अलग हो गया तो मतलब जा बाबा ये तो एकदम बेकार लड़का निकल गया, माँ बाप का इसको कोई ख्याल नहीं है, है ना। वेस्टर्न कंट्री में ये नॉर्मल है, वो तो शादी से पहले ही मतलब वो लोग यंग हुआ कमाने सीखा, माँ बाप से अलग, माँ बाप अलग रह रहा है वो अपने रेंट में अलग रह रहा है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ कॉमन है। यहाँ पर स्टिग्मा माना जाएगा, क्यों? दोनों का सोशल स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, समझ में आया? क्लियर हो गया पॉइंट? तो जो सोसाइटी में आप ऑपरेट कर रहे हैं सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, फैमिली कैसा है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल वैल्यूज कैसा है, लेवल ऑफ एडुकेशन कैसा है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कंट्री का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैसा है। जैसे कि देखो टेस्ला यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं लाया है, कैनेडा एंड ऑल में सेल्फ ड्राइविंग कार है, मतलब तुमको ड्राइवर का ज़रूरत नहीं है, गाड़ी अपने से चलेगा, तुम गाड़ी में GPS मार दिए यहाँ से यहाँ जाना है, गाड़ी खुद से चल रहा है। सुने हो ना ये सब के बारे में? नहीं सुने? टेस्ला एलोन मस्क का जो कंपनी है सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटो पायलट मोड में चल रहा है, ड्राइवर का ज़रूरत नहीं, क्यों? वहाँ का टेक्नोलॉजिकल लेवल हाई है, यहाँ पे होगा अपना जब तक बीच में कुछ भी आ जाएगा। तो कंट्री का टेक्नोलॉजिकल लेवल कैसा है, ये हो गया टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। लोग कितना टेक्नोलॉजी समझते हैं, कितना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए हैं। अब हम लोग के इंडिया में भी धीरे धीरे करके इसमें चेंजेस आ रहे हैं ना। पहले मान लो हम लोग ऑनलाइन कुछ मंगवाने पड़ता था, घर वालों नहीं नहीं एकदम ऑनलाइन मत मंगवा ख़राब आ जाएगा पैसा ले लेगा, तो अब क्या उन लोग भी जाना रहे नहीं ठीक है चलो। तो आहिस्ते आहिस्ते टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन हम लोग के यहाँ पे भी हो रहा है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे है, कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे है, राइट विंग गवर्नमेंट है या लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है या मेजॉरिटी को सपोर्ट करता है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है या नहीं होता है, गवर्नमेंट रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स होता है या नहीं होता है। जैसे अपने कंट्री में रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत होता है, तुम कोई भी एक प्रोपेगेंडा मूवी बना दो कमा लेगा करोड़ों करोड़ों रुपया। कुछ कंट्री है जहाँ पर रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है तो वहाँ लोग बोलते हैं मुद्दा का बात करो, तो ये सब भी इम्पैक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। स्टेबल गवर्नमेंट है या नहीं है। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट का मतलब है कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, लॉज कैसा है, लेबर लॉज कैसा है, प्रॉपर्टी राइट्स कैसा है, टैक्सेशन सिस्टम क्या है, टैक्सेशन से रिलेटेड क्या लॉज है, ये सब आ जाएगा मेरा लीगल एनवायरनमेंट में। क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया? तो देखो एक बार क्विक रिवीजन, बिजनेस एनवायरनमेंट का कितना कंपोनेंट्स है, कितना पार्ट है, दो, क्या क्या है, इंटरनल और इंटरनल में कितना पार्ट है, एक्सटर्नल में माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में कौन कौन आता है, कौन कौन क्लोज होते हैं, कस्टमर सप्लायर इंटरमीडियरीज कॉम्पिटिटर्स। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन आएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन आएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मैक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन आएगा, बोलो। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सब मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। क्लियर हो गया ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जो है अपना पॉलिसी में चेंजेस लाए, बहुत सारा पॉलिसी में चेंजेस लाए जिससे बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ा, जाहिर सा बात है। तीन जो बहुत फेमस पॉलिसी है उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट का तकदीर बदल दिया। वो तीन पॉलिसी है LPG, L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization. Liberalization का मतलब है
कि पहले क्या था ना, आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है आपको गवर्नमेंट से हर चीज के लिए परमिशन लेना पड़ता था। साबुन बनाना है गवर्नमेंट से पूछो, किताब बनाना है गवर्नमेंट से परमिशन लो, दवाई दुकान खोलना है गवर्नमेंट से परमिशन लो। तो जितना रूल्स था बिजनेस को ऑपरेट कर सेटअप करने में और चलाने में, बहुत फेमस तुम लोग शायद जानते होगे, इन्फोसिस के जो फाउंडर है नारायण मूर्ति, वो बोलते हैं कि हमको एक कंप्यूटर फॉरेन कंट्री में मंगवाने के लिए, मतलब कोई दूसरे अमेरिका से एक कंप्यूटर उनको मंगवाना था 1980s में, उनको 3 साल लगता है कंप्यूटर मंगवाने में। इतना जगह पेपर वर्क, ये जगह जाके साइन करवाओ, ये जगह साइन करवाओ, लगे कंप्यूटर ने वो एटम बॉम्ब मंगवा रहे हैं। तो इतना रेस्ट्रिक्शंस था ट्रेड पॉलिसीज में, लिबराइज कर दिया गया लिबराइजेशन के थ्रू। गवर्नमेंट बोला आपको जो बिजनेस करना है आप करिए, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करवाएंगे आपसे, हम लोगों से कुछ परमिशन आप लोगों को लेने नहीं होगा, एक्सेप्ट इन 5 केसेस। अगर आप 5 बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हम लोग से आके पूछिए, आप हम लोग से आके लाइसेंस लीजिए, बाकी आपको जो करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें आप लोगों को लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है। वो 5 बिजनेस क्या क्या है? अल्कोहल, केमिस्ट दवाई, केमिकल्स, समझ आ रहे, टोबैको, सिगरेट्स एंड ऑल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। और एक टाइप का गुड्स था जो कि हार्मफुल है, ये सब में गवर्नमेंट बोला कि आपको हमसे परमिशन लेना होगा। आपको कपड़ा दुकान खोलना है खोलिए, आपको जूता बेचना है बेचिए बनाकर, टोपी बनाकर बेचना है बेचिए, बुक छाप के बेचना है छापिए, प्रिंटिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या हुआ, और अट्रैक्ट हुआ लोग, अरे तेरा अच्छा है, अब लाइसेंसिंग का झमेला नहीं, बिजनेस स्टार्ट करो, लिबरलाइजेशन आ गया। जितना भी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस था बिजनेस से, उसको हटा दिया गया। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। पहले क्या था ना, बहुत सारा बिजनेस गवर्नमेंट खुद ही करता था और उसमें किसी को एंटर करने नहीं देता था, मोनोपोली बनाकर रखा था। गवर्नमेंट बोला कि देखो हम गवर्नमेंट है, मेरा काम है तुम लोगों का देखभाल करना, धंधा करना नहीं, धंधा तुम लोग करोगे, पैसा तुम लोग कमाओगे, हमको टैक्स दो। तो गवर्नमेंट का बहुत सारा जो लॉस मेकिंग कंपनीज था, जो अब गवर्नमेंट, जब मेरा गवर्नमेंट, अगर मान लो हम यहाँ पे इतने अच्छे से पढ़ा रहे, कितने अच्छे से हम पढ़ा रहे, अगर यहीं पे हमको कोई गवर्नमेंट स्कूल में जॉब मिल जाएगा ना, हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों यार, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, सैलरी तो आ रहा है, बट यहाँ पे अगर अपना कोचिंग हो गया या कोई प्राइवेट स्कूल हो गया, वहाँ पे हम नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरा महीना हमको निकाल देगा, जाओ। तो गवर्नमेंट देख रहा है ये चीज़ हो रहा है यार, गवर्नमेंट जॉब होल्डर लोग तो बिजनेस को डुबा दे रहे हो, लोग क्यों मेहनत करेगा, मेरा बिजनेस है, हम मेहनत करेंगे, प्रॉफिट होगा, हमको फायदा होगा। ये तो गवर्नमेंट जॉब में हम देख रहे हैं यार, बिजनेस प्रॉफिट कमाए लॉस कराए, अपना सैलरी फिक्स्ड है। देखो BSNL डूब गया है ना, तो गवर्नमेंट बोला नहीं आप लोग बिजनेस करिए। जितना गवर्नमेंट कंपनीज था सबको सेल करने लग गया, प्राइवेटाइज करने लग गया, जाइए आप लोग चलाइए। तो इससे भी क्या हुआ, बूस्ट मिला इकोनॉमी को। और थर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन में क्या किया जाता है ना, पहले इंडियन इकोनॉमी क्लोज था, बंद था, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स, आप ना गुड्स ज़्यादा बाहर भेज सकते थे, बेच सकते थे, ना बाहर से इतना इजली खरीद सकते थे। ग्लोबलाइज्ड कर दिया गया, इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया गया, बोला आपको जो बेचना है बाहर बेचो, जो मंगवाना है मंगवाइए, टैक्सेस पे कर दीजिए बस। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, अब बाहर का कंपनी भी आके इंडिया में बिजनेस कर सकता था और इंडियन कंपनी भी जाके बाहर में बिजनेस कर सकता था। ये 3 पॉलिसी जो आया इंडियन इकोनॉमी को बचा लिया, अदरवाइज 1990s में इंडिया जो है बैंक्रप्ट होने के कगार पे था, देश के पास सिर्फ कुछ दिनों का पैसा बच गया था देश को चलाने का, उसके बाद देश का हाल श्रीलंका की तरह हो जाता, पाकिस्तान की तरह हो जाता, जैसे भी पाकिस्तान में हाल हो के है, श्रीलंका में हाल हो के है। उस वक्त हम लोगों के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसको लोग गाली देते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो ये पॉलिसी लाए और अपने जिम्मेदारी पे लाए। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे
डॉक्टर नरसिम्हा राव, वो बोले ठीक है आपको जो सही लग रहा आप करिए, बस बचा लीजिए कंट्री को। मनमोहन सिंह बोलते कि ठीक है हम जो बोल रहे हैं आपको ये पॉलिसी लागू करिए, और वो पॉलिसी लागू हुआ और इंडिया तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगा। ये पूरा क्रेडिट किसको देना चाहिए? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, वो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगर कुछ गड़बड़ होता तो वो फंसते, और अच्छा हुआ तो गवर्नमेंट का नाम हो गया। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आया? अब ये सब से क्या इंपैक्ट पड़ा बिजनेस में? ये जो एलपीजी का पॉलिसी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे क्या फर्क पड़ा इंडिया को? पहला, इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गया। पहले देखो, पहले तो हमको भी नहीं आ जा, पापा से पूछना अपना या मम्मी से, उन लोग को पता होगा, पहले थम्सअप कोका कोला नहीं था, कैंपा कोला था, इंडियन ब्रांड। इकोनॉमी ओपन हुआ, थम्सअप कोका कोला पेप्सी सब आ गया, कंपटीशन बढ़ गया। दूसरा, मोर डिमांडिंग कस्टमर, अब कस्टमर और डिमांडिंग हो गया, क्यों? ऑप्शंस है ना ज्यादा, और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए। तीसरा, मार्केट रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी जो है ना तेजी से चेंज होने लगा। क्यों? जब कंपटीशन बढ़ा तो सब एक दूसरे से कंपीट करने लगा, हम बेस्ट है, सब अपना प्रोडक्ट में और सुधार लाने लगा, पैकेजिंग अच्छा करने लगा, क्वालिटी अच्छा करने लगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब चेंजेस हम लोगों को देखने में मिला, कहाँ? अपने कंट्री में, जब गवर्नमेंट ये सब पॉलिसी में चेंजेस लाया। क्लियर पॉइंट? चलो, ये चैप्टर हम लोगों का हो गया है कंप्लीट। ये चैप्टर से हम लोगों का कितना क्वेश्चन एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक मार्क्स का, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पॉज कर देना तू, और किसी के पास न्यू बुक है? न्यू बुक